आज मैं आपको जो एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा उसमें एक मोशन सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। इसे PIR यानी कि पैसिव इंफ्रारेड या फिर पायरोइलेक्ट्रिक इंफ्रारेड मोशन सेंसर ऐसे नाम से इसे पहचाना जाता है। यह सेंसर अपने सामने 20 फीट तक अगर कोई हलचल होती है यानी कि किसी व्यक्ति या किसी प्राणी के द्वारा अगर कोई हलचल होती है तो वह इसे डिटेक्ट करता है। जिंदा आदमियों और प्राणियों के शरीर से निकलने वाली जो इंफ्रारेड की तरंगे होती हैं उन तरंगों को यह सेंसर डिटेक्ट करता है और फिर उसके सिग्नल से हम आर्डुइनो के बोर्ड को कनेक्ट किया हुआ एलईडी और बजर को हम ट्रिगर करते हैं। चूंकि यह इंफ्रारेड किरणें डिटेक्ट करता है इसलिए यह अंधेरे में भी काम कर सकता है, लेकिन इसे काम करने के लिए व्यक्ति के शरीर का कोई हिस्सा अगर खुला हो तो वहाँ से इंफ्रारेड किरणें इसे मिलती हैं, जैसे कि हमारा चेहरा, सिर और हाथ आमतौर पे खुले होते हैं तो शरीर के खुले हिस्से से जो इंफ्रारेड तरंगें निकलती हैं वे इस सेंसर के द्वारा डिटेक्ट की जाती हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल करेंगे वे इस प्रकार से हैं। हमें 5 मेल फीमेल वायर्स की ज़रूरत होगी। आपके आर्डुइनो के किट में आपको वायर्स की 3 स्ट्रिप्स दिखाई देंगी। ये 3 अलग अलग प्रकार के वायर्स हैं, मेल टू फीमेल, मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल। उसमें से हमें मेल टू फीमेल वायर्स की ज़रूरत होगी। आप इस स्ट्रिप से एक एक वायर खींच कर अलग कर सकते हैं तो आप किसी भी कलर के 5 वायर्स अलग कर लीजिए। और इसके अलावा और जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल करेंगे वो हैं एक PIR सेंसर, एक पैसिव बजर और एक LED। चूंकि इस एक्सपेरिमेंट में हम सारे कंपोनेंट्स वायर के द्वारा सीधे आर्डुइनो से कनेक्ट करने वाले हैं इसलिए हमें ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत नहीं होगी। और जो दूसरी चीज़ें ज़रूरी हैं उसमें आर्डुइनो उनो का बोर्ड और एक बैटरी होल्डर और 9 वोल्ट की एक बैटरी। बैटरी के बिना भी आप यह एक्सपेरिमेंट अपने USB पोर्ट से आर्डुइनो को कनेक्ट करके कर सकते हो, लेकिन आपको अगर अपने घर में अलग अलग जगहों पर यह प्रोजेक्ट रखकर वहाँ से आपकी मूवमेंट को यह किस तरह से डिटेक्ट कर सकता है यह अगर टेस्ट करना है तो आपको आर्डुइनो उनो के बोर्ड को कंप्यूटर से हटाकर उसे बैटरी से जोड़ना पड़ेगा। तो बैटरी यह एक ऑप्शनल आइटम इस एक्सपेरिमेंट के लिए होगा। ये सारे कंपोनेंट्स मुझे मेरे स्टार्टर किट में मिले हैं। मैंने जो किट खरीदा है वह है क्वाड स्टोर का अल्टीमेट आर्डुइनो किट। अगर आप यह किट खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर या फिर इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में दिए गए लिंक पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एक PIR मोशन सेंसर इस तरह से दिखाई देगा। इसमें जो गुंबद जैसा हिस्सा है ये इसका लेंस है और इसके नीचे सर्किट बोर्ड के ऊपर इसका सेंसर लगा हुआ होता है। इस गुंबद जैसे हिस्से में मधुमक्खी के छत्ते जैसे हमें इसके लेंसेस दिखाई देते हैं। ये लेंसेस जो हैं इंसान के जिस्म से निकलने वाले जो इन्फ्रारेड रेज होते हैं उन इन्फ्रारेड रेज को ये फोकस करके उस सेंसर के ऊपर भेजते हैं। इसके सामने 20 फीट के रेंज में अगर इंफ्रारेड के रेज के इंटेंसिटी में कोई भी फर्क आता है तो ये उसको डिटेक्ट करता है। तो इसको मोशन सेंसर इसलिए कहते हैं कि अगर कोई इस सेंसर के सामने सिर्फ खड़ा रहे तब ये इसका डिटेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर वो उसके सामने कोई हलचल करे तब इसका डिटेक्शन जो है ये हमको दिखाई देता है। ये जो इंफ्रारेड सेंसर है ये रात को भी काम करता है। इस सेंसर को अगर हम नीचे की ओर से देखें तो हमें ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे ऊपर वाले हिस्से में हमको 3 पिंस दिखाई देते हैं। इनको कनेक्शन के पिंस कहते हैं, जिनके ऊपर VCC आउट और GND ऐसे लिखा हुआ आपको दिखाई देगा। VCC को हम
पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे 5 वोल्ट का, और ग्राउंड को हम आर्डुइनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे, और जो आउटपुट की पिन है वो हम आर्डुइनो के डिजिटल पिन नंबर 3 को कनेक्ट करेंगे। लेफ्ट को नीचे की ओर हमको एक जम्पर दिखाई देगा, इस जम्पर को 3 पिन्स होते हैं और ये जम्पर 2 पोजीशन में सेट किया जा सकता है, सिंगल ट्रिगर और रिपीट ट्रिगर। इसके अलावा हमको नीचे की ओर 2 पोटेंशियोमीटर्स दिखाई देते हैं, पोटेंशियोमीटर के 2 नारंगी रंग के नॉब्स हमको दिखाई देते हैं। इनमें एक पोटेंशियोमीटर टाइम डिले एडजस्ट करने के लिए होता है, तो दूसरा सेंसिटिविटी या रेंज एडजस्ट करने के लिए होता है। अगर हम सेंसर को इस पोजीशन से देखें तो हमको इसके कनेक्शन के 3 पिन्स दिखाई दे रहे हैं। इन पिन्स को हम डुपॉन्ट वायर के फीमेल कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे, और अगर हम PIR सेंसर को इस हिस्से से देखें तो हमको टाइम डिले का एक और सेंसिटिविटी का एक पोटेंशियोमीटर दिखाई देते हैं। टाइम डिले का जो नॉब है वो बाय डिफ़ॉल्ट 2.5 सेकंड पर सेट किया होता है। सबसे राइट वाले कॉर्नर में आपको जम्पर दिखाई देगा, जम्पर अगर सिंगल ट्रिगर मोड में हो तो हम जो भी टाइम डिले यहाँ पर सेट करेंगे वो टाइम डिले हमको एक्सपेरिमेंट में दिखाई देगा। अगर आप स्क्रू ड्राइवर से इस नॉब को क्लॉकवाइज यानी कि राइट से लेफ्ट नीचे की ओर से घुमाओगे तो इसका टाइम डिले बढ़ता जाएगा, तो टाइम डिले हम 3 मिनट तक कर सकते हैं। दूसरा नॉब है सेंसिटिविटी का, इस समय ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन में है, इस समय यह 3 मीटर की रेंज तक डिटेक्ट करता है, और अगर हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये रेंज हम 7 मीटर तक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 3 जंपर पिन्स दिखाई देते हैं। सिंगल ट्रिगर के लिए पहले 2 पिन्स में हमने जंपर को बिठाया हुआ है, और रिपीट ट्रिगर के लिए दूसरे 2 पिन्स के भीतर जंपर को बिठाया गया है। इस पिक्चर में हम इस प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट को पीजो बजर है और राइट साइड को PIR सेंसर है। यहाँ पर बजर के 2 पिन्स हमें दिखाई देते हैं, एस और माइनस। एस सिग्नल के लिए है और माइनस ग्राउंड के लिए है। एक्चुअली हमारा जो बजर है उसके 3 पिन्स हैं, लेकिन उस बजर का बीच वाला पिन हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, केवल एंड के 2 पिन्स हम इस्तेमाल करेंगे। बजर के सिग्नल के पिन से एक वायर हम जोड़ेंगे आर्डुइनो के डिजिटल पिन नंबर 9 को। आर्डुइनो के पिन नंबर 13 और ग्राउंड में हमने एक लाल रंग की LED यहाँ पर बिठाई हुई है। LED को इस तरह से हम केवल 13 नंबर के पिन से ही कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 13 नंबर के पिन से आर्डुइनो के बोर्ड पर एक पुल अप रजिस्टर सर्किट में जोड़ा हुआ होता है, इसके लिए उसको एक्स्ट्रा रजिस्टर देने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर LED का जो लंबा वाला पैर है, जो उसको पॉजिटिव का पैर कहते हैं, वो 13 नंबर की सॉकेट में जाएगा, और LED का छोटा पैर ग्राउंड की सॉकेट में जाएगा। यहाँ पर आर्डुइनो के बोर्ड पर ऊपर वाले सॉकेट्स जो हैं वो डिजिटल पिन्स के हैं, और नीचे वाले सॉकेट्स में लेफ्ट में हमको पावर के सॉकेट्स दिखाई देते हैं। PIR सेंसर के VCC और ग्राउंड से वायर कनेक्ट करके हम पावर वाले पिनों में 5 वोल्ट और ग्राउंड से जोड़ेंगे। सेंसर की जो बीच वाली पिन है वो आउटपुट की है, वहां से हम एक वायर जोड़ेंगे जो जाएगी आर्डुइनो के डिजिटल पिन नंबर 3 से। इस तरह से कनेक्शन पूरा करने के बाद आप आर्डुइनो के बोर्ड को कंप्यूटर से USB पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम जो प्रोग्राम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है PIR sensor.ino। यह प्रोग्राम मैंने अपने गूगल ड्राइव पर अपलोड किया हुआ है, और इसका लिंक आपको इस वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिखाई देगा। इस प्रोग्राम को डाउनलोड करने के बाद आर्डुइनो की ID में ओपन कीजिए। आर्डुइनो का जो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो आपके कंप्यूटर पर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्राम इस ID में आप खोलेंगे तो ID के ऊपर वाले हिस्से में आपको इसके आइकॉन्स दिखाई देते हैं। उसमें से पहला आइकॉन है वेरीफाई का, इस पर क्लिक कीजिए तो नीचे आपको कंपाइलिंग ऐसे मैसेज दिखाई देगा, और पूरा होने के बाद डन कंपाइलिंग ऐसे आपको मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद दूसरा वाला जो आइकॉन है वो अपलोड का है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, तब ये प्रोग्राम
आर्डुइनो के बोर्ड पर माइक्रो कंट्रोलर में अपलोड हो जाएगा। अपलोड पूरा होने के बाद स्क्रीन पर आपको डन अपलोडिंग ऐसे मैसेज दिखाई देगा और जो मोशन सेंसर है वो भी एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप सेंसर के गुंबद वाले हिस्से के सामने अपना हाथ हिलाते हो तो ये उसको तुरंत डिटेक्ट करेगा और बीप बजेगी। आप इस सेंसर को कंप्यूटर से अलग करके इसको बैटरी से जोड़ के अपने घर में अलग अलग जगह पर रख के इसको टेस्ट करके देख सकते हो।